Hey guys, good morning. Welcome back to my another vlog. ये vlog एक dedicated special vlog होने वाले, because इस vlog में हम लोग एक ऐसी चाय पीने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं सोची होगी भाई। चाय के साथ में कब खाने को मिलता है, हमारे एक भैया आए हुए हैं सीकर से, मैं जा रहा हूँ, गोविंद भी जा रहे हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। गोविंद भी मेरे को ना दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये महिंद्रा एक होटल है बहुत बड़ी सारी, तो उसके अंदर बढ़िया से डिनर करवाने वाले हैं। तो शाम होने वाले, फिलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं और पूरा वो कब खा के दिखाएंगे, उन भैया से मिलेंगे, बढ़िया बातचीत करेंगे, उनका एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखना, खूब मजा आने वाला है। इनका नाम है हिमांशु, सीकर से आए हैं। हाय करो भैया। हे गाइस। और ये अपने बड़े भैया गोविंद भैया। हाय गाइस। तो इन्होंने, आपने कभी वो चाय पी यहाँ पे? हाँ, मैं तो रोज पीता हूँ चाय। करके क्या यार, घर पे नहीं वो चाय पिए क्या? चाय, वो चाय नहीं पता ना आपको? कौन सी? बस वो, उसको कौन उसको सी? सस्पेंस ही रहने, तो वो है ही नहीं कुछ। वो चाय कौन सी भाई साहब? चाय के साथ में नाश्ता किया है? बिल्कुल नाश्ता किया है, नाश्ता किया है ना। चाय का कप कभी खा के देखा है क्या? नहीं, चाय का कप कोई खाता है क्या यार? भाई मजा आता है खाने में। आपके दिमाग में कीड़े हो गए क्या? भाई मेरे दिमाग में कीड़े नहीं है, आज सही में आपको चाय के कप खिलाने वाला हूँ मैं। क्या खिलाने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ही चलो चलो। एक ऐसी स्टॉल लगी है, एक ऐसी शॉप लगी है, कितने की शर्त लगी भाई साहब? ये लो 5000 की सच। सो हम लोग निकल गए भाई बांसनी चौराहे से शीतला माता मंदिर की तरफ। जोधपुर रोड पे है वो शॉप, बांसनी चौराहे से शीतला माता मंदिर की तरफ। जब अपन 1 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं तो बहुत बड़ा सारा बोर्ड आता है, दादा पोता चाय पियो कब खाओ ऐसा करके, तो लिखा होता है। बहुत बड़ा सारा बोर्ड है, आप लोग वहाँ विजिट करें। जो लोग नागौर से है वो जरूर विजिट करें, जो लोग नागौर से नहीं है जब भी आप नागौर आए। तो भाई ये एक स्पेशल चाय है जो पूरे राजस्थान में मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, और इनफैक्ट मैं मुंबई में रहता था तो मुंबई में भी मैंने ऐसा कभी नहीं ट्राई किया है। तो ये आप लोग यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये यूनिक है और ये अभी तक सिर्फ चेन्नई में चलता आया है, और ये कप भी जो है वो चेन्नई से इंपोर्ट करवाए गए हैं। ये कप ऐसे कप हैं गाइस, इनका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है और ये एक बिस्किट की तरह है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वो प्लेस पे जो एक यूनिक प्लेस है, एक स्पेशल प्लेस है और एक चाय का प्लेस है। तो ये यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, गोविंद भैया गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ा सारा लिखा गया है आई लव चाय पियो कप खाओ। यहाँ पे वाईफाई आपको फ्री में मिलेगा, ये नागौर के अंदर है, आई लव नागौर भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। और ये बड़ा सारा ग्लास आप लोग जो देख रहे हैं भाई, ये ग्लास नहीं है, ये एक बिस्किट का कप है जिसको आप खा सकते हैं। गोविंद भैया मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि ये कप ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग कप नहीं खा सकते, तो ये भैया को आज पूरा कप खिलाना है। तो ये सामने बढ़िया लाइटिंग के साथ में यहाँ जो आपको शॉप दिख रही है यही है चाय पियो कप खाओ। अभी यहाँ पे पूरा मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं भाई दादा पोता चाय पियो कप खाओ पे। गोविंद भैया मुझे बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चाय के साथ अपन कप भी खा सकते हैं, तो आज ये गोविंद भैया का जो भ्रम है ना भाई, ये मैं तोड़ने वाला हूँ, चाय के साथ इनको कप भी खिलाने वाला हूँ। तो भैया जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे भाई कप खिलाऊंगा, ये भीड़ देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे रियल में कप खाते हैं। आपको आज महिंद्रा में मुझे लेके जाना पड़ेगा, आओ बढ़िया से चाय के साथ इनको कप खिलाते हैं मेरे पास। और ये भैया सीकर में आए हैं, इन्होंने भी आज तक ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है, तो इनको भी बढ़िया से चाय के साथ कप खिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे बढ़िया से। और ये जो शॉप है इनके ऑनर के साथ में हम पर्टिकुलर एक बात करने वाले हैं कि इनको नागौर में ऐसा माइंड में कहाँ से आया कि ऐसी चीज हम लोग यूनिकली नागौर के अंदर कर सकते हैं। आइए। सो फ्रेंड्स, ये बाहर से आप लोग पूरा ये सीन देख सकते हैं, जब भी आप लोग नागौर में आए ये शॉप देख के आप लोग को जरूर से रुक जाना है, यहाँ पे बढ़िया से चाय का आनंद लेते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। फिलहाल हम लोग चलते हैं इनके ऑनर के पास में और देखते हैं कि ये किस तरीके से अपनी चाय को बनाते हैं। आइए। सो फाइनली गाइस आपके सामने जो भैया यहाँ पे दिख रहे हैं ये है इस पूरी की पूरी शॉप के ओनर, जहाँ पे आपको चाय के साथ में कप मिलता है खाने के लिए। अपन थोड़ा पास में आके इनसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं कि इनको ये माइंड में कैसे आया कि हम लोग नागौर में ऐसा एक्टिविटी टाइप कुछ यूनिक कर सकते हैं। तो गाइस ये भैया है, ये पूरी शॉप के ओनर है। तो भैया आपका शुभ नाम? साबिर खान। तो साबिर खान भैया का नाम है, और फिलहाल मेरे माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बार बार गदगद कर रहा है कि ये पूरा नागौर में लाने का इनके माइंड में कहाँ से आया। तो भैया ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? ये कॉन्सेप्ट मेरे चेन्नई से मिला मेरे को, और ये एक सा वेरिएंट है, मतलब चाय पियो और कप खाओ। कप खाने के बाद कप को फेंकना नहीं पड़ेगा, कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं है, इसको फेंकने से जानवर भी खा सकता है। ये अच्छा ब्रांड है, नई तकनीक है, नई चीज का, नई चीज है। ये पूरी की पूरी चीज जो है गाइस इको फ्रेंडली है। लाइक अपन अगर कोई दूसरा कप लेते हैं, लाइक ये जो अपने पास में जो कागज का कप आता है, ये प्लास्टिक का कप आता है, उसको फेंकने के बाद में बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे ये जो कप है पूरा ऑर्गेनिक है, बिस्किट है, इसको चाय को पीने के बाद में अपन इसको खा सकते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा किसी प्रकार का, और किसी चीज का वेस्टेज यहाँ पे नहीं होने वाला है। और ये जो चाय है वो कप के साथ में और ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो फिलहाल मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा है कि किस तरीके से यहाँ पे भैया चाय बनाते हैं,
और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये चेन्नई से इन्होंने यहाँ पे लाए हैं, और चेन्नई में ऐसी बहुत सारी स्टॉल्स हैं जहाँ पे चाय के साथ में कप हमें खाने को मिलता है। पूरा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी जो दुकान है, ये पूरी जो शॉप है, ये पूरे नागौर के अंदर एक यूनिक है। यहाँ पे एनी टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। आप लोग उधर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पे बैठा है, और जो क्राउड आपको वहाँ दिख रहा है उससे ट्रिपल क्राउड यहाँ पे डे टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो गोविंद भैया मुझे बोले थे कि यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चाय के साथ में हम लोग कप भी खा सकते हैं। तो भैया किधर है? इधर 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 प्लीज इधर आइए भैया आप। आज हम आपको चाय के साथ में कप भी खिलाने वाले हैं। तो साबिर भैया को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगा। सो यहाँ पे गाइज आप लोग को पर्टिकुलर मेन्यू मिलेगा, जिस मेन्यू में आप लोग यहाँ पे अपनी तरफ से अपनी चॉइस की चाय चूज कर सकते हैं, और उसी चाय को आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के 10 मिनट बाद में आपको चाय सर्व हो जाती है। तो अभी गाइज हम लोग साबिर भाई साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी तरह की चाय पिलाई जाती है। सर इसके अंदर देखो, एक तो बनती है पहले इलायची चाय, और ये है चॉकलेट चाय, और दूसरी है वेनिला चाय, तीसरी अब एक तारीख को चालू हो जाएगी अपने रसगुल्ला चाय। चाय के अंदर रसगुल्ला डाल के देंगे, उसमें रसगुल्ला चाय, नए एंटीज नए वेरिएंट। सो मेरे पास में इतने सारे वेराइटीज है चाय की जो आप पी के बहुत ज्यादा टेस्टी महसूस करने वाले हैं खुद के मुंह को। ये हमारे पास में चाय का एक कप है जिसको हम तोड़ के खाने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, मतलब इसका टेस्ट इतना ज्यादा मीठा है गाइस, आप लोग हमेशा इसी को नाश्ते में यूज किया करेंगे। हम गोविंद भैया को ये देने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बोला था कि चाय का कप कभी नहीं खा सकते। भैया ये कप आप थोड़ा खा के देखिए। मैं खाऊंगा ही नहीं तो 5000 रुपए कैसे दूं? अरे भाई ऐसा मैं नहीं होता है नहीं। ना भाई बाकी मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई। ट्राई करें, इन भैया को हम ऐसी यूनिक जगह पे लेके आएंगे तो इनको कप जरूर खिलाएंगे भाई। खा तो सकते हैं भाई, चाय का कप खा सकते हैं, इनको विश्वास हो गया है चाय का कप खा सकते हैं। आप लोग विश्वास कर लीजिए, यहाँ पे चाय की बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। इलायची चाय मिलती है, वनीला चाय मिलती है, चाय रसगुल्ला मिलती है, और एक नॉर्मल अपनी वाली चाय मिलती है। तो चाय रसगुल्ला इनको यहाँ पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। वनीला चाय का जो भाई कप है वो एक यूनिक है, ये आप देख सकते हैं चारों ओर से इसके ऊपर वनीला की पेस्टिंग की गई है, और बाहर की साइड में बढ़िया से कप है, और उसकी क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया रहती है। आप लोग एक पियेंगे तो दूसरा पीने का आपको वैसे भी मन करने वाला है। सो फिलहाल हम लोग चाय सर्व करते हैं और आगे चलते हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं उनके उनसे इनका रिव्यू लेते हैं कि उनको चाय कैसी लगती है। कम सो अभी गाइस हम लोग रिव्यू लेने वाले हैं सभी यहाँ पे जितने भी जो कस्टमर्स हैं उनके, वो लोग यहाँ पे कितने टाइम से आते हैं और उनका रिव्यू क्या है, उनको चाय कैसी लगती है। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को चाय सर्व कर रखी है और ये बहुत चाह से इस चाय को पी रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भैया यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। भैया हाई कर दो एक बार बढ़िया से, सभी लोग एक बार हाई कर दीजिए। तो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की यहाँ पे चाय सब लोग ने चूज करी है। मेरे पास ये बहुत सारे कप पड़े हैं यहाँ पे, ये वनीला वाला है भाई मेरा फेवरेट। और इधर ये भैया जो चाय पी रहे हैं, भैया आपने कौन सी चाय ऑर्डर की है? वनीला चाहिए। ये वनीला टी है आपके पास में, और इसका टेस्ट आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। टेस्ट बहुत अच्छा है, रोज आते हैं हम यहाँ, मजा आया। रोज आते हो और डे टाइम में आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ का क्राउड कैसा लगता है, मतलब कितनी यहाँ पे भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है। मजा आता है आपको पीने में? बिल्कुल। नेक्स्ट आपका नाम? रवि नाम है भैया का। आपको ये चाय पीने में मजा आया? थैंक यू। नाम? सुरेंद्र भैया का नाम है। भैया ने भी वनीला चाय ऑर्डर किया और बहुत मजा आ रहा है शायद इनको पीने में। इन सभी भाइयों का रिव्यू लेने के बाद में हम लोग आते हैं इधर। ये भैया भी बढ़िया से चाय का मजा ले रहे हैं। भैया आपको चाय कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? 2 दिन हुए अभी। 2 दिन होते हैं और 2 दिन से आप कंटिन्यू आ रहे हैं, आगे आपका क्या मन कहता है? आते रहेंगे, मजा आता है। तो गाइज ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे जितने भी जो लोग बैठे हैं इन सभी से मैं ऑनेस्ट रिव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज यूनिक लगी और ये चीज सही में एक यूनिक है, पूरे राजस्थान में यूनिक है। और ये भैया यहाँ पे एनी टाइम बैठे रहते हैं। भैया हाई कर दो। तो ये भैया उन भैया के भाई है जो यहाँ पे ऑनर है। साथ ही साथ यहाँ पे बाहर से आप लोग देख सकते हैं पूरा हाईवे का व्यू मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। डे टाइम में बहुत ज्यादा यूनिक मिलता है, और यहाँ पे बढ़िया से बैठक लगा रखी है। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, बढ़िया चाय का आनंद ले रहे हैं। वनीला चाय भैया ने ऑर्डर करी है। मजा आ रहा है पीने में? बहुत मजा आ रहा है ना भाई। यार लोग चाय कम कप ज्यादा खा रहे हैं, यहाँ तो लोगों को कप खाने में मजा आ रहा है। तो ये भैया भी यहाँ पे बैठे हैं, भैया ने पूरी चाय खत्म कर ली है और अभी ये भैया कप खाने में लगे हुए। मजा आ रहा है भाई, खूब मजा आ रहा है। और ये भैया देख लो अभी तो अपने वीडियो का शूट ले रहे थे, और इनको बहुत सारा थम्स अप देता हूँ कि इन्होंने पूरे वीडियो में अपना बहुत बढ़िया साथ दिया। यहाँ पे ये बढ़िया कप खाने में व्यस्त हो रखे हैं, और ये भैया बढ़िया से चाय पी के कप खा चुके हैं। और यहाँ पे साबिर भाई साहब अपना सर्विंग में लगे हुए हैं, भैया को एक सेकंड का टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे चाय सर्व करने के लिए। तो फिलहाल हम भी बढ़िया से चाय पीते हैं, गोविंद भैया को पिलाते हैं और यहाँ हिमांशु भैया को पिलाते हैं, और खूब मजा करते हैं। यहाँ पे हम सबके लिए चाय यहाँ पे सर्व कर दी गई है। साबिर भैया का थैंक यू करता हूँ हम लोग को ये चाय पिलाने के लिए।
लिटरली गाइस ये चाय एक यूनिक चाय है, पीने में बहुत मजा आता है। इस चाय का कभी कोई टाइम नहीं हो सकता, लाइक हम इवनिंग की चाय 4 से 5 बजे के करीबन पीते हैं। इस चाय को आप कब भी पी सकते हैं क्योंकि इसका कप इतना ज्यादा टेस्टी है कि चाय से ज्यादा कप खाने में मजा आता है। ये देखो भैया पूरी चाय पी भी गए भाई। नहीं मैं तो खाई नहीं। आपको तो खाना पड़ेगा, आपको तो खाना पड़ेगा, आपको तो अभी महिंद्रा का भी खाना पड़ेगा ना। छुट्टी है भाई। चलो कोई बात नहीं भैया, आप मत खिलाएं लेकिन ये चाय पीने का आनंद लीजिए आप। भैया मजा आ रहा है चाय पीने में? चलो मजा आना चाहिए बस। ये भैया ने जितनी भी जो दुकान लगाई है ना ये मजे के लिए लगाई है ताकि लोग यहाँ पे आए, इनके पास में बैठे और बढ़िया से यहाँ पे आनंद ले। तो गाइस चाय पी के मैं भी फ्री हो गया हूँ, चाय का कप पूरा खाली कर दिया और अब इसको खाने में जो मजा है ना वो एक यूनिक है, डिफरेंट है और बहुत मजा है। सो गाइज हम लोग ने ऊपर की पूरी शॉप यहाँ पे विजिट कर ली है, चाय बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे संभल लिया है। आप लोग जब भी यहाँ आएंगे आपको सीटिंग स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है, यहाँ बाहर आप लोग को बैठने की बहुत सारी जगह मिल जाती है। ऊपर मैंने आप लोग को दिखाया है यहाँ भी बहुत सारा स्पेस है और यहाँ बैठ के जो आनंद आता है वो एक यूनिक रहता है। फिलहाल चलते हैं अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड में भी काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है और यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया है, एक प्राइवेट स्पेस है। आप लोग जब भी किसी फ्रेंड के साथ में आते हैं तो यहाँ पे बैठ के बढ़िया से ये चाय का आनंद ले सकते हैं और अपनी प्राइवेट स्पेस को, अपनी प्राइवेसी बढ़िया से यहाँ पे रह जाती है। तो अपन ने सब लोगों से बातचीत कर लिया, यहाँ पे भैया के कुछ साथी बैठे हैं बढ़िया से। अंकल हाय कर दो एक बार बढ़िया। तो ये देखो कप खाने के आनंद ले रहे हैं अंकल, मजा आ रहा है कप खा के, बहुत मजा आ रहा है। चाय का टेस्ट कैसा लगा आपको? तो यहाँ पे अंकल के कप में चाय भी पड़ी और साथ में अंकल कप खा रहे हैं, खूबसूरत। कितना टाइम हो गया अंकल आपको यहाँ आते हुए? दुकान खोली जब से आ रहा हूँ। अच्छा दुकान खोली तब से आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। काव्य दादीज ब्लॉग यूट्यूब वाले चैनल में हमारे यहाँ चाय पत्ती ने आए हैं, इनका स्वागत करने के लिए हम खास स्वागत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। तो भैया ने बढ़िया अपना स्वागत किया यहाँ पे, अरे वाह साफा पहना करके, थैंक यू सो मच। गाइस कमेंट में बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। साफिर भैया ने बढ़िया से अपना स्वागत किया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जब भी आप लोग नागौर आए जोधपुर की तरफ से तो प्लीज यहाँ पे जरूर रुकें, चाय पी के देखें, बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोग को चाय पीने में। सो फ्रेंड्स यहाँ आके हम लोग को बहुत मजा आया, गोविंद भैया का जो भ्रम था वो हमने तोड़ दिया है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड होप करता हूँ मेरा आज वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आप लोग नागौर आए और जो लोग नागौर से हैं प्लीज यहाँ आके जरूर विजिट करना, ये चाय पी के टेस्ट करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।